कोई कुछ कहा हमको नहीं पता, हम सुने नहीं, कोई कुछ बोला कि भाई ऐसे करना है, हमारा कोई सीनियर या हमारा पार्टनर कुछ बोला कि ये करना है, तो हमें सुनना चाहिए और फिर हमें एनालाइज करना चाहिए कि हाँ whether we can do it or not and we should do it or not. तो अगर वो करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे कंपनी को फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली वी शुड डू इट. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर एटीट्यूड होता क्या है. एटीट्यूड ये है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या हम कोई बिजनेस करते हैं या किसी दोस्त के साथ काम करते हैं, तो हमारा एक एक अपना एक टेंडेंसी है, एक अपना बिहेवियर है जो हमारे फेवर में नहीं होता है या हमारे मन लायक जो नहीं होता है, उसको हम को निगेटिव रिस्पॉन्स देना चालू कर देते हैं. तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम निगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान हम खुद का होता है और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है. नौकरी का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी काम का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो एटीट्यूड जो है, हमेशा चाहे आप एम्प्लॉई के साथ हो या अपने घर परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ हो या बिजनेस में बिजनेस पार्टनर के साथ हो, वो एटीट्यूड, वो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जो कि हमें आगे की तरफ हमें ले जाए. एक ऐसा एटीट्यूड जो जिसमें एक हार्मनी हो, एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें कि हमारा ईगो बिल्कुल भी ना हो, एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें कि एक मकसद हो उस एटीट्यूड में कि हाँ हमें कुछ आगे करना है, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जो किसी को नुकसान ना दे. तो हमेशा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम ये सोचना चाहिए कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और इससे किसको किसको प्रॉफिट ये हम दिला सकते हैं. सी, अगर हम एटीट्यूड अच्छा रखेंगे तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सबसे बड़ा प्रॉफिट तो हम खुद को होगा, हमको होगा. तो इसलिए एटीट्यूड जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड, कोई अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, दिल दिमाग से काम करते हैं, और या फिर अपना बिजनेस में रहते हैं, बिजनेस में हम अच्छे से काम करते हैं, और किसी से अगर सीनियर से हमारी कुछ बात हो भी जाती है तो हमें उसको ईगो पर नहीं लेना चाहिए कि हाँ नहीं, हमें वो कैसे बोल दिया, हमें ऐसा क्यों बोल दिया, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है आगे बढ़ना, हमारा मकसद है कि हम कैसे अपने गोल पे पहुँचे, और गोल पे पहुँचने के लिए ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो रास्ते में तो आती रहेगी. इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ दें और हम इस पर मतलब अडिग हो जाए कि नहीं, ये ऐसा कैसे बोल दिया, वो ऐसा कैसे कर दिया, वो कर रहा है तो मैं क्यों, वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, ऐसा ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए. क्योंकि आफ्टर ऑल आपका ड्रीम आपका है, मेरा ड्रीम मेरा है, आप जो करेंगे वो आपको फायदा देगा, मैं जो करूंगा मुझे फायदा देगा. तो जो एटीट्यूड हम रखेंगे अपने अंदर, उसी हिसाब से हमारा ग्रोथ भी होता है. तो वो जो ग्रोथ जो हमें बनाना है, ये एटीट्यूड भी हमें वैसे ही रखना पड़ेगा, जो हमें डाउन टू अर्थ होकर रहें, हम लोगों से अच्छे से मिल के रहें, काफ़ी फ्रेंडली महसूस करें, हम ऐसे काम करें जिससे कि लोगों को लगे कि एक बेस्ट एम्प्लॉई है, एक ऐसा बेस्ट पार्टनर है, एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है. तो इस तरीके से बहुत कुछ जो ये सारा एटीट्यूड में आता है. अगर हम एटीट्यूड को अगर देखें, एटीट्यूड अगर हमारा सही है तो ये सब कुछ पॉजिटिव होता रहेगा. लेकिन अगर वही एटीट्यूड हमारा इग्नोरिंग एटीट्यूड हो गया, इग्नोर कर दिया, कोई कुछ बोला, हमारा कोई सीनियर या हमारा पार्टनर कुछ बोला कि ये करना है, तो हमें सुनना चाहिए और फिर हमें एनालाइज करना चाहिए कि हाँ whether we can do it or not and we should do it or not. अगर वो करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली वी शुड डू इट. क्योंकि यही एटीट्यूड है जो कि हमारी कंपनी को, हमारे एम्प्लॉय को और हमें एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुँचाएगा. थैंक यू.